सलामैकम दोस्तों मैं हूँ मोहम्मद काज़िम और आज जो मेरे हाथ में किताब है रॉबर्ट ग्रीन की 48 एट लॉज ऑफ़ पावर यह किताब बहुत बेहतरीन किताब है क्योंकि हर लॉ के साथ साथ एक से दो वाकयात जो है वो नकल किए गए जिसको इस किताब पढ़ने में बहुत मजा आता है ऐसा लगता है कि आप कोई कहानियों की किताब पढ़ रहे हैं ताकत व इख्तियार हासिल करने के लिए इस किताब को आप पढ़ सकते हैं गुज्तर कई सदियों से अफराद और कौम पर ताकत इख्तियार हासिल करना बाकायदा एक फन अख्तियार कर चुका है इस पर बाकायदा किताबें लिखी जा चुकी है इस मौजू के ऊपर फिफ्टीन थर्टी टू ईस्वी के अंदर चाय करदा बदनाम जमाना किताब दी प्रिंस दुनिया भर के आमिरों और फैश की

काम करवाए और खुद इसका एजाज हासिल करें और जो है लॉ नंबर इलेवन लोगों को अपना मोहताज बनाना सीखे लोगों से मदद मांगते वक्त उनकी रहमदिली को उभारने के बजाय उनके जाति मफाद का लालच पैदा करे लॉ नंबर नाइन ये विन थ्रो योर इंस्ट्रक्शन नेवर थ्रो योर आर्गूमेंट्स इसके अंदर जो है वो क्रोशॉफ का एक वाकया मौजूद है कि वह तो खरोश स्टालिन की पॉलिसियों को ऊपर मजम्मत कर रहे थे सामीन में से किसी ने आप खुद स्टालिन के साथ काम करते रहे हैं उसे उस वक्त मना क्यों नहीं किया खरोश खामोश रहा फिर कहा जिसने ये बात कही है वह हाथ खड़ा करे कोई हाथ खड़ा ना हुआ ने मुस्कुरा कर कहा मैं भी इसी तरह चलेंज की पॉलिसियों के ऊपर तंकीद ना कर सका लॉ नंबर लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू तो इसमें जो है एक बड़ा जबरदस्त सा वाक्य मौजूद है फ्रांस का एक बादशाह लुइज नुजूम पर इस हद तक एतकाद रखता था कि ये उसकी कमजोरी की शक्ल इख्तियार कर चुका था एक बार शाही नुजूम ने पेशन गोई की शाही हरम की फला खातून सात दिन के अंदर मर जाएगी और खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो औरत

आप एक ही नशे के अंदर पूरी किताब पढ़ डालेंगे कोई वीडियो अच्छी लगी तो थिंकर स्टॉक को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो कर लीजिएगा हम रोजाना इसी तरीके के अच्छे अच्छे बुक रिव्यूज की वीडियोज़ डालते रहते हैं